अब हम गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं प्रमाण हो सकता है, परंतु इसके कुछ लक्षण स्पष्ट नहीं हो सकते। इनमें से कुछ को यहाँ विशिष्ट बताया जाएगा। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद का लागत तथा आय से परस्पर संबंध है, तथा वह उद्योग जो गुणवत्तापूर्ण वस्त्रें बनाते हैं उनका बाजार में बड़ा भाग होता है। अन्य अध्ययन में गुणवत्ता के 6 लाभ बताए गए हैं। सबसे पहला, बाजार में अधिकतम सहभागी। दूसरा, अधिक आय। तीसरा, निष्ठावान ग्राहक। चौथा, उच्च उत्पादन दर। पांचवा, अधिमूल्य यानी प्रीमियम प्राइस। छठा, अधिक निष्ठावान कर्मचारी। अब गतिविधि, वस्तुओं की उच्च स्तर गुणवत्ता के कारण पूंजी या लागत से आय अधिक क्यों होती है, इसके कोई 4 कारण बताइए। अब गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए प्रबंधन। इससे पहले हमने गुणवत्ता का अर्थ तथा उसके लिए मानदंडों का अध्ययन किया। हमने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि गुणवत्ता क्यों आवश्यक है। स्पष्टता, अगला प्रश्न गुणवत्ता के प्रबंधन का है। गुणवत्ता नियंत्रण शब्द का प्रयोग पहले भी विस्तृत रूप से प्रयोग होता था, तथा कारीगर या फोरमैन का अधिकार क्षेत्र होता था। पुराने जमाने में कारीगर केवल अंतिम उत्पाद का टेस्ट करते थे तथा निम्न स्तर वाले उत्पाद का दायित्व कर्मचारियों या पर्यवेक्षकों का होता था। 1930 के दशक में यह विचार उत्पन्न हुआ कि गुणवत्ता का अंतिम परिणाम कई शर्तों या प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, न कि विशेष व्यक्ति द्वारा। इसके कारण सोच में भारी बदलाव आया तथा गुणवत्ता प्रबंध को नई दिशा मिली। अब सांख्यिकी के आधार पर गुणवत्ता नियंत्रण यानी SQC, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता जांचने की पुरानी तकनीक को अपर्याप्त मानने के पश्चात गुणवत्ता प्रक्रिया के लक्षणों एवं विशेषताओं का अध्ययन करने की आवश्यकता हुई। इसके लिए स्पष्ट चुनाव था आंकड़े या संख्याओं का प्रयोग, अर्थात इस प्रक्रिया के लिए आंकड़े। इससे सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण की धारणा पैदा हुई, यानी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल SQC। जब उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण के लिए पूर्ण अध्ययन किया गया तो बहुत सी US कंपनियों के घाटे में प्रभावकारी कमी हुई। USA की एक कालीन बनाने वाली कंपनी द्वारा इस धारणा को अपनाने से 1949 में उसे पहले वर्ष में ही 2 मिलियन US डॉलर की बचत हुई। SQC प्रोग्राम की सफलता के अतिरिक्त इन विचारों को बहुत बल मिला कि गुणवत्ता प्रबंधन को संस्थान के अन्य विभागों से अधिक विस्तार की आवश्यकता है। इसके परिणाम स्वरूप पूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण की धारणा उत्पन्न हुई, यानी टोटल क्वालिटी कंट्रोल TQC। अब पूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण यानी टोटल क्वालिटी कंट्रोल
टेक यू सी के विषय में बात करेंगे। 1950 के दशक में टेक यू सी की धारणा का यूएसए में आरंभ हुआ। टेक यू सी के अनुसार वास्तविक उत्पादन से जुड़े व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी जो संस्थान में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी हैं। यद्यपि इस धारणा का आरंभ यूएस में हुआ, परंतु जापानियों ने इसको सर्वप्रथम अद्भुत सफलता के साथ कार्यान्वित किया। संक्षेप में, संस्थान के एक व्यक्ति जो योजना तथा निर्णय से जुड़े हैं, वह भी जांच के अधीन होंगे। कंपनी के यह कार्यालय जो इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे, वह है वाणिज्य कार्यालय, अकाउंट विभाग, उत्पादन अनुसूचित करने वाला विभाग तथा डिजाइन विभाग। इससे भी विस्तृत आधार की खोज के कारण गुणवत्ता प्रबंधन की धारणा उत्पन्न हुई। अब पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM 1970 के दशक के अंत में TQM का आरंभ हुआ तथा 1980 से 1990 के दशक में यह बहुत लोकप्रिय हो गया। यह TQC का विस्तार है तथा गुणवत्ता प्रबंधन यानी इसकी भौतिक वेरिएबल माना गया है। मानव वेरिएबल सहित इससे जापानी उद्योग में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। TQM के अनुसार गुणवत्ता मुख्य रूप से संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता के मानदंड स्थायी नहीं हैं। संस्थान का भविष्य निरूपण बदलता रहता है तथा ऐसा ही गुणवत्ता का विचार भी। इसलिए भौतिक तथा मानव घटकों को मिलकर कार्य करना चाहिए। घटक जो गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, उनमें कच्चा माल, कार्य प्रक्रिया, व्यक्ति, कर्मचारी, तकनीकी ज्ञान, विशेष विवरण, मानकीकरण तथा टेस्टिंग आदि हैं। इन सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।